यूपीएससी में सफलता के लिए छोड़नी पड़ेगी दुनियादारी दुनियादारी दुनियादारी। इस साल यूपीएससी के जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो मेरे साथ एक बड़ी अजीब घटना हुई। हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, 2 साल पहले तक तो वो हमारी सोसाइटी के हर फंक्शन में नजर आती थी और उसके जानने वाले इतने ज्यादा थे कि हर दिन किसी ना किसी के घर पर उसका आना जाना लगा रहता। फिर धीरे धीरे सोशल सर्कल्स में उसकी प्रेजेंस कम होने लगी। शुरू में तो लोगों ने पूछताछ की, मगर जब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो सबने ये सोच लिया कि शायद वो अब इतनी ज्यादा सोशल नहीं रहना चाहती। फिर एक दिन हमारी सोसाइटी में हड़कंप मच गया जब सबको ये पता चला कि उसने यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली है और अब वो आईएएस बनने वाली है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सीख भी है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी में सफलता के लिए छोड़नी पड़ेगी दुनियादारी। दोस्तों, किसी भी संघर्ष में विजय पाने के लिए बलिदान अनिवार्य होता है। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से सवाल किया कि क्या युद्ध जीतने के लिए इतना बलिदान देना आवश्यक था। इसके जवाब में भीष्म पितामह जी ने कहा, उसे ध्यान से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, वीर कौन है, इसका प्रमाण युद्ध भूमि में ही हो सकता है और युद्ध भूमि में विजय उसी को मिलती है जो बलिदान देने से डरता ही नहीं। बलिदान सिर्फ जीवन का ही नहीं होता बल्कि कई बार अपने प्रियजनों को अपने हाथों में मृत्यु को गले लगाते हुए देखना भी एक बलिदान है। अपने माता पिता और अन्य परिजनों को घर पर अकेला छोड़ युद्ध भूमि में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहना भी एक बलिदान है। और याद रखो कि जो योद्धा हर तरह का बलिदान देने को तैयार हो वही विजयी हो सकता है, क्योंकि उसके मन में कोई चिंता या भय नहीं होती बल्कि उसका सारा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर होता है। वैसे तो ये प्रसंग महाभारत काल का ही है, लेकिन यूपीएससी की तैयारी में इसे डाल के सोचा जाए तो इससे आपको तैयारी का एक मूल मंत्र भी मिलता है। यूपीएससी भी एक प्रकार की युद्ध भूमि ही है जिसमें अपना कौशल दिखाने के लिए हर योद्धा अपने हिसाब से तैयारी करता है। इस तैयारी में उसे कई प्रकार की त्याग भी करने पड़ते हैं और कई बार ऐसा मौका भी आता है जब उसके सभी दोस्त रिश्तेदार और दूसरे जानने वाले पीछे छूट जाते हैं। कई बार उसे उन लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं और सब कुछ सुनकर सहकर भी वह योद्धा चुप रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य तो कुछ और ही है और उसे ये पता होता है कि जिस दिन वो अपना विजय पताका फहरा देगा उस दिन ताने देने वाले यही लोग उसे अपने संबंधों की दुहाई भी देंगे। दोस्तों, आप किसी भी सिविल सर्वेंट से उसकी तैयारी के बारे में पूछेंगे, सब आपको ये जरूर कहेंगे कि दुनिया से अलग रहकर ही इसकी तैयारी की जा सकती है। दुनिया से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दें और सभी दोस्तों से संपर्क खत्म कर दें, बल्कि दुनिया से अलग होने का मतलब ये है कि अपना फ्रेंड सर्कल अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाएं, अनावश्यक गैदरिंग से बचें और इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने आप को सोशल मीडिया से भी दूर कर लें, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें और इनकी जगह कोचिंग और करंट अफेयर्स देने वाली ऐप्स को इंस्टॉल करें। फिल्मों की जगह न्यूज़ देखना शुरू करें और पार्टीज की बजाय ग्रुप डिस्कशंस में भाग लें। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहना है कि हर चीज की एक कीमत होती है। सफल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है, जिसमें अवकाश का समय, मनपसंद क्रियाएं, सोना और एक आराम का जीवन शामिल है। इसके बजाय आपको बहुत प्रयास करना चाहिए, अपने संकल्प को बनाए रखना चाहिए और किसी भी बाधा से पार पाने के लिए और भी अधिक प्रयास करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।